आज के दिन कुछ ऐसा हुआ है जिसका बिल्कुल भी र्यूमर नहीं फैला, बल्कि एकदम से ही सीजी ने स्टेप डाउन कर दिया बाइनेंस से। जी दोस्तों, अभी जो चैंग पैंग सीजी हैं वो अभी बाइनेंस के सीईओ नहीं रहे हैं, अभी नए सीईओ आ चुके हैं रिचर्ड टैंग, और ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है पूरी क्रिप्टो मार्केट को, पूरे क्रिप्टो स्पेस को। हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 75 के आसपास चल रहा था और वापस ये 67 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मार्केट में इतना बड़ा डर फैल चुका है जिस कारण प्राइसेस भी नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये भी है, सीजी का स्टेप डाउन होना और इसी के साथ साथ बाइनेंस का एक ऐसा फैसला लेना जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जहाँ दोस्तों, वो फैसला ये है कि अभी बाइनेंस कंप्लीटली एग्जिट करने वाला है यूएस की मार्केट को, यानी कि यूएस से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। और अगर आप नहीं जानते तो ऐसा पहले भी हुआ था, यानी कि पहले कैनेडा से बाइनेंस ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया था। अब इतनी बड़ी इकॉनमी से अगर बाइनेंस एग्जिट करता है तो आप देख सकते हैं क्या हालात होने वाले हैं। लेकिन यहीं पे इसी वीडियो में आपको कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी देने वाला हूँ बाइनेंस को लेकर, लेकिन नेगेटिव अपडेट सबसे बड़ी तो यही है कि अभी जो सीजी है वो बाइनेंस के सीईओ नहीं रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि ये सब कुछ पहले ही पता था सीजी को, और अभी उन्होंने क्लियरली ब्लीड भी कर दिया कि वो गिल्टी हैं, और उन्होंने जो गलतियां करी हैं उन्होंने खुद बोला है कि वो सारा पूरा फाइन पे करने के लिए भी रेडी हैं, जो कि लगभग $4.3 बिलियन का बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और अपडेट ये है कि आज से कुछ दिन पहले ही इन्होंने $4 बिलियन, जो कि लगभग $3.9 बिलियन थे USDT में, वो इन्होंने ट्रांसफर किए थे। तो इसका शक सिर्फ इसी तरफ जाता है कि इनको पहले ही पता था कि $4 बिलियन से ऊपर की पेनल्टी होने वाली है, तो इन्होंने प्रिपरेशंस करनी शुरू कर दी थी। अभी और इसका मैं डिटेल में आपको बताने वाला इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी इसे लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बाइनेंस की सीईओ हैं, इनका बॉन्ड जो दिया गया है वो मैंने पहले ही टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था कि इनको रिलीज किया गया कस्टडी से $175 मिलियन के बॉन्ड पर, और अगली हियरिंग्स की भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, हर एक डिटेल इसमें है, आप ये बॉन्ड पूरा रीड कर सकते हैं जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बाइनेंस के सीजी का ही जान लेते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट डाला है, जिसमें एक तरीके से पूरा आर्टिकल डाला है, क्योंकि जनरली अगर कोई भी लंबा ट्वीट डालना चाहता है तो वो एक थ्रेड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक लंबा एक पूरा आर्टिकल डाल दिया है। यहाँ पे इन्होंने खुद एडमिट किया कि आई मेड मिस्टेक्स एंड आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि खुद अपनी गलती को मान रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि बाइनेंस अभी कोई छोटा मोटा बेबी नहीं रहा है, बाइनेंस बहुत बड़ी एंटिटी बन चुका है और इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी भी जुड़ी, यानी कि हम सब लोगों का इसके साथ एक इमोशन बन चुका है बाइनेंस के साथ। आज सीजी का बाइनेंस को छोड़कर जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि जो क्रिप्टो पूरी मार्केट है, क्रिप्टो स्पेस है, इसमें कोई भी सीईओ या फिर कोई भी अगर ओनर है एक्सचेंज का, क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, वो इस तरीके से ना करें और हमेशा कंप्लायंस करें, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो हर कंट्री की, वरना अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमेशा पैसा इधर से उधर एकदम से जा सकता है। और अगर आप नहीं जानते तो इंडिया में ऐसी ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वज़ीरएक्स के ऊपर आप INR डाल सकते हो, लेकिन उससे आप क्रिप्टो किसी को सेंड नहीं कर सकते, फिर आपको INR में ही बाहर निकालना पड़ेगा। ये इंडिया ने इसलिए किया ताकि पैसा इंडिया का इंडिया में ही रहे, इंडिया से बाहर ना जाए। और इसी के साथ इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो रिचर्ड टैंग है, ये पहले हेड ऑफ रीजनल मार्केट से जो कि ग्लोबल हेड रहे हैं, इसी के साथ अभी ये सीईओ बनने वाले हैं बाइनेंस के, जिनको ऑलरेडी लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, और अभी वैसे ही ये सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और ग्रोथ का पूरा ध्यान रखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने क्लियरली बताई है कि ये सीईओ रह चुके हैं AGDM के, जो कि अबू धाबी ग्लोबल मार्केट है, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये सीईओ रहे हैं, और इसी के साथ चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर रहे हैं सिंगापुर एक्सचेंज के। लेकिन यहाँ पे जो सीजी उन्होंने एक और श्योरिटी दी है कि बाइनेंस के अभी बेस्ट डेज आने बाकी हैं, जो कि बहुत ही जल्द आएंगे। अब लगभग इन्होंने 6-6.5 साल का टाइम दिया है बाइनेंस को, लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि ये अभी अगर सीईओ नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले, क्योंकि हमारे दिमाग में भी यही आ रहा है कि हो सकता है बहुत ही जल्द अपना नया कोई एक्सचेंज शुरू करेंगे जो कि बाइनेंस का भी एक राइवल एक्सचेंज बन जाए, यानी कि इससे भी बड़ा एक्सचेंज बन जाए। लेकिन इन्होंने बोला कि अपनी ये पैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मिनोरिटी टोकन, शेयर होल्डर बनने वाले, स्टार्टअप्स में, ब्लॉकचेन्स, वेब3, डिफाई, AI, बायोटेक, हर एक चीज़ में ये उसी तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर कोच या मेंटर बनेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की जो इनको नॉलेज है वो शायद हमें किसी को भी नहीं है। और अभी मैं सबसे बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ जो हम सभी के लिए मैटर करती है, जो इन्होंने यहाँ पर बताया, फंड्स आर सेफ, यानी कि हमारे जितने भी फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हमारी जितनी पड़ी हैं, वो सारे के सारे सेफ हैं।
अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज से पहले अगर हम FTX एक्सचेंज की बात करें तो उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि जितने भी फंड्स थे FTX के ऊपर वो सारे के सारे फंड्स का एकदम से टोटल लॉस हो चुका था। तो एक तो हमें श्योरिटी मिली गई है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें नई जो CEO हैं Binance के नए CEO, तो फिलहाल स्टार्टिंग में हमें शायद शक्ल पहचान में नहीं आएगी। अभी थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा कि हाँ पहले तो CZ थे, अभी रिचर्ड ये कौन रिचर्ड है। तो हमें धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यही सब कुछ संभालने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। और इसमें जो यूज़र्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, 150 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, और एम्प्लॉयज़ भी इनके हज़ारों में हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने खुद भी कंफर्म किया इसी ट्वीट में कि ये सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, सेफ्टी, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं और Web3 के अडॉप्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। अब इतना इसमें डीप नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हम ध्यान दे देते हैं, जो कि अगले वीडियो में मैं डालना चाहता हूं हर एक चीज़ को थोड़ा और डिटेल में, कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, क्यों इन्होंने एकदम ही यहां पे स्टेप डाउन कर दिया Binance से, क्यों Binance कंप्लीटली एग्जिट करने वाला है US मार्केट को, और फिर भी US के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनको पूरी एक्सेस मिलने वाली Binance के रिकॉर्ड्स की, इनके सिस्टम्स की, और कभी भी वो इसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो मेन रीज़न तो यही है कि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आई है कि Binance ने ब्रेक किया US का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सैंक्शंस लॉस, और इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं करी। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन थी जो इन्होंने रिपोर्ट नहीं करी हैं, जिसमें हमास, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, सीरिया, ये सारे के सारे इनकी ट्रांजेक्शन, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थी। तो जितने भी क्रिमिनल से या फिर टेररिस्ट से, उनके लिए Binance एक जरिया बना कि वो अपना पैसा निकालें यहाँ से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजें। तो CFTC के साथ जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इन्होंने यहाँ पे 18 महीने की प्रिजन सेंटेंस देने का बताया जो CZ को मिलने वाली है, और Binance ने पे करना है लगभग $1.8 बिलियन, जो कि 15 महीनों के अंदर पे करना है, और $2.51 बिलियन वो एक्स्ट्रा इन्होंने पे करना है, यानी कि लगभग $4 बिलियन से भी ज़्यादा ये अमाउंट बन रहा है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली बात नहीं करी जा रही है वो ये है कि इनका जो Binance से एज ए CEO स्टेप डाउन होना, वो भी इस डील का ही हिस्सा है, यानी कि सेटलमेंट का ही हिस्सा है, वरना इन्होंने ये स्टेप नहीं उठाना था। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं टेररिस्ट ग्रुप्स की, या फिर जितने भी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करी गई है, उसका पूरा के पूरा दोष आया CZ के ऊपर या फिर Binance के ऊपर। तो मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस को देखते हुए यहाँ पे अभी ये स्टेप्स उठाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक करी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने इसको शॉर्टेस्ट रखने की कोशिश करी है, ताकि आपको और भी ज़्यादा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन भी रातों रात आई है। जब आप सो रहे थे तो मैं सुबह से इसी के कंटेंट के ऊपर काम कर रहा था, ताकि आपको मैं आसान भाषा में हर एक चीज़ बता पाऊँ। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।